हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा मिरेकल स्किन वाइटनिंग एंड लाइटनिंग फॉर्मूला शेयर करूंगी, जिसके यूज़ से आपकी स्किन सिर्फ 10 मिनटों में ही नेचुरली लाइटन एंड वाइटन हो जाएगी। ये एक 100% नेचुरल रेमेडी है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ऑल स्किन टाइप को सूट करेंगे। ये आपकी स्किन टोन को 1 से 2 टोन लाइटर बना देगा। ये रेमेडी आप बच्चों पर भी एक उपटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस मास्क को आप अपने फेस पर ही नहीं, अपने बल्कि हैंड्स पे, फीट पे, फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के यूज़ से आपका सारा सन टैन रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन नेचुरल लाइटन हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोइंग एंड यूथफुल भी दिखने लगेगी। इस मैजिकल रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिरौंजी दाना। ये आपके को किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चिरौंजी दाना एक एक्सेलेंट स्किन लाइटनिंग इन्ग्रीडियंट की तरह काम करता है। चिरौंजी दाना को आप अपने स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन पे जो ब्लेमिशेस होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। इसके यूज़ से हमारी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। इसमें अबाउट 15% फैट होता है। इन दानों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन पर से डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। ये हमारे पिंपल्स और एक्ने को कंट्रोल करता है। चिरौंजी दाना में भरपूर मात्रा में विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। चिरौंजी दाना एक एक्सेलेंट ह्यूमेक्टेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट करके एक्ने एंड पिंपल्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून ऑफ चिरौंजी दाना। अब आप एक बोल में 6 टेबल स्पून ऑफ रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध ले लीजिए। नेक्स्ट आप केसर लीजिए और इसमें 5 to 7 स्ट्रैंड ऑफ केसर को क्रश करके दूध में इन्फ्यूज होने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। याद रखिए कि आपको प्योर केसर ही लेना है। केसर करने के बाद आप साथ ही साथ इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ चिरौंजी दाना भी ऐड कर दीजिए और अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिल्क में सोक होने के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 3 घंटे के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसे ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए, एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रही हूँ एंड नेक्स्ट 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन पील पाउडर। अगर आपके पास लेमन पील पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इस फेस पैक को लगाने से पहले अपने चेहरे को किसी फेस क्लेंजर से क्लेंज कर लीजिए और फिर रॉ मिल्क में एक कॉटन बॉल को डिप करके अपने फेस और नेक को अच्छी तरह इसे वाइप कर लीजिए। मैं आपको अपने हाथ पे डेमोंस्ट्रेट करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसा ही अपने फेस और नेक पे करना है। रॉ मिल्क से वाइप करने से हमारी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाएंगी और ये फेस मास्क हमारी स्किन पे ज़्यादा असर दिखाएगा। अब आप फेस मास्क अपने फेस और नेक पे लगा लीजिए। हमने इसमें रॉ मिल्क ऐड किया है। रॉ मिल्क में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इसमें हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड भी होता है। रॉ एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। कच्चे दूध में हाई अमाउंट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि स्किन ड्राइनेस को भी क्योर करता है। रॉ मिल्क ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सेलेंट स्किन लाइटनिंग एजेंट। इसमें हमने केसर भी ऐड किया है। केसर हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। सैफ्रन ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी सोलो एजेंट। इट मीन्स इट एब्जॉर्ब द यूवी रेज एंड प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। इसमें एक्टिव कैरोटीनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि हमारी स्किन को यूथफुल बनाए रखते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि स्किन इरिटेशन एंड रैशेज को भी रिड्यूस करता है। मुल्तानी मिट्टी और लेमन पील पाउडर हमारे स्किन को लाइटन और सॉफ्ट बनाता है। अब आप इस फेस मास्क को लगाकर अपनी स्किन पे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 30 मिनट्स बाद ये भी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो अपने हैंड को वाटर में डिप करके सर्कुलर मोशंस में इसे मसाज करके निकाल दीजिए। सर्कुलर मसाज से आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग दिखने लगेगी। ये फेस मास्क आपकी स्किन को यूथफुल एंड ब्राइट बना देगा। आप इसे वीक में
तीन बार यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके सारे डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत रिजुविनेटेड नज़र आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।